guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, I hope all of you doing very well, fit and fine. So guys, it's me वर्षा. सो आज की वीडियो बहुत हटके वीडियो है बिकॉज आज की वीडियो में मैंने ये लुक तो कैरी किया ही किया है, साथ ही साथ मैंने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है और दिखाया है जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है. रिसेंटली मैंने कुछ प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं कॉस्मोस बाय बेवकूफ़. तो जब मैंने इनके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि खुद की एक स्किन केयर लाइन्स लॉन्च की है जिसमें 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं. और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो केमिकल फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्रोटली फ्री है. इन्होंने बाकायदा अच्छे से बिल्कुल मेंशन करके रखा हुआ है. और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके जितने भी स्किन केयर बॉडी केयर प्रोडक्ट है वो अंडर 500 रुपीज़ में है. तो बहुत ही सुपर अफोर्डेबल एंड पॉकेट फ्रेंडली है, ईजिली स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक परचेज कर सकती है. सो मैंने फटाफट डिसाइड किया और मैंने कुछ प्रोडक्ट अपने पर्सनल यूज़ के लिए मैंने इसे ऑर्डर किया. दैन उसके बाद मैंने इसे 1 वीक तक यूज़ करके देखा और इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा. डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी. और अगर आप इसे परचेज़ करेंगे तो ये कूपन कोड डालना मत भूलिएगा, मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है. जैसे आप ये कूपन कोड आप उस पर एंटर करेंगे, लिखेंगे, वैसे ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. सो या अमेजिंग है ना, यानी कि 500 के अंडर प्रोडक्ट है. कोई भी प्रोडक्ट अगर हम परचेज करते हैं देन उसके साथ साथ 10% का डिस्काउंट. सो या फटाफट आप देख लो और लेट्स जंप टू द वीडियो. सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कॉस्मोस ब्रांड के 5 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे. तो सबसे पहले जो है वो बॉडी वॉश मैंने ऑर्डर किया था और इस बॉडी वॉश में नीम, मेलन एंड जिंक मिला हुआ है. एंड क्राफ्ट की बात करो और बॉटल की बात करो, बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल है, कहीं भी बहुत इजी तरीके से लेके जा सकते हैं. क्राफ्ट ओ माय गॉड बहुत ही अच्छे से सोच के बना है, लाइक स्टार एंड यू नो गैलेक्सी वगैरह है. और बैक साइड में इसकी डिटेलिंग्स लिखी हुई है, प्राइस लिखा हुआ है, कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं पूरा मेंशन किया हुआ है बहुत अच्छे से. एंड इट्स अ जेल बेस्ड टेक्सचर है और फ्रेगरेंस बहुत माइल्ड फ्रेगरेंस है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस नहीं है, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे यूज़ करने में. सो नेक्स्ट जो था मैंने मंगाया था कॉस्मोस का फेस वॉश है जिसमें ग्रीन टी एंड कॉपर मिला हुआ है. सो ग्रीन टी एंड कॉपर दोनों काम करते हैं डर्ट्स एंड एक्सोस को बाहर निकालने में, साथ ही साथ इंप्रूव करता है स्किन टोन को और ब्लेमिशेस वगैरह जो होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से इवन आउट करता है और फेस को बहुत अच्छे से रिफ्रेशिंग करता है. सारे प्रोडक्ट इनके यू नो गाइस ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत ईजी तरीके से आप इसे बैग में कैरी कर सकते हो. पैकेजिंग ऑल ओवर इनकी सारी पैकेजिंग सेम है, लाइक स्टार एंड गैलेक्सी वगैरह इनका क्राफ्ट किया गया है. एंड येलो कलर का इसका यू नो कलर है और यू नो टेक्सचर इज अ जेल बेस है. तो गाइज नॉर्मली इसको यूज़ कैसे करना है, आपको यू नो कॉइन साइज अमाउंट में आपको हाथ फिंगर की टिप्स पे आपको फेस वॉश को लेना है. जस्ट पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करने के बाद नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लेना. बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होता है, अच्छा लगता है इसे यूज़ करने के बाद. फेस वॉश के बाद सीरम को अप्लाई करते हैं. तो गाइस यहाँ सेक्वेंस मैं आपको बताऊंगी. तो यहाँ पे कॉस्मोस का जो मैंने मंगाया था सीरम है, इसमें विटामिन सी एंड कॉपर मिला हुआ है. ये दोनों हेल्प करते हैं स्किन को इवन टोन करने में. और इसकी जो बॉटल है गाइस यार, मतलब मैटिफाई बॉटल है, यू नो ऐड देखा होगा ना, ऐसा लगता है कुछ किया है फिर भी किया नहीं है. तो लाइक उस तरीके से इसकी लग्जरियस बॉटल है, बहुत अमेजिंग लगता है. तो इसके ड्रॉपर मिल साथ में मिलता है, ड्रॉपर के हेल्प से आप इसे लगा सकते हैं. एंड यू नो डार्क स्पॉट वगैरह को फेडेड करने में और स्किन टोन और कम्प्लेक्शन को लाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. ये टेक्सचर इज़ अ वेरी रनिंग टेक्सचर है, इसका वाटरी है, ज़्यादा चिप चिप बिल्कुल नहीं है, नॉन ग्रेसी है ये. तो नॉर्मल अपने फेस पे जस्ट और ड्रॉप्स आपको फेस पे लगा लेना है. टेक अ 3-2 ड्रॉप्स सीरम एंड उसके बाद अपने फेस को बहुत ही अच्छे से मसाज करना है 4 से 5 मिनट के बाद. दैन उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है. सीरम के बाद मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करते हैं. तो मैंने यहाँ पे कॉस्मोस का मॉइस्चराइज़र मंगाया था और इसमें मैग्नीशियम एंड विटामिन ई मिला हुआ है. बहुत ही यूनिक इंग्रेडिएंट्स इनके हैं, लाइक कॉपर, मैग्नीशियम. सो ये भी एक ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से इसे बैग में कैरी करके ट्रैवल कर सकते हैं. और इनकी आउटर इनर पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. और इसका जो टेक्सचर है यू नो क्रीमी टेक्सचर है इसका और ये वाइट कलर में है इसका. तो इसे जब स्किन पे लगाते हैं तो कहीं से भी नॉन ग्रेस है, चिप चिप वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगता है. तो नॉर्मल आपको फिंगर टिप्स पे लेना है जस्ट अ लिटिल अमाउंट. देन उसके बाद आपको ऑल ओवर पूरे फेस पे बहुत ही अच्छे से मसाज करते हुए, लाइक सर्कुलर मोशन है, मसाज करते हुए लगाना है तब तक जब तक ये ऑब्जॉर्ब ना हो जाए अच्छे से. नेक्स्ट है कॉस्मोस का मैजिक मिनरल लिप्स मास्क। गाइस अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करो या रब कर पाओ या डेड स्किन को निकाल पाओ, तो ये लिप्स मास्क ज़रूर यूज़ करिएगा। ये किसी भी पर्स में कैरी हो सकता है। ये सबसे छोटू पैक है, इन्होंने ट्रैवल फ्रेंडली के लिए आप क्लच में जितने बैग्स है उसमें कैरी कर सकते हैं। इसमें मिला हुआ है हनी एंड कॉपर, तो बहुत ही अच्छे से लिप्स को एक्सफोलिएट करता है। इसे लगाने के बाद 10 से 15 मिनट्स के लिए इसे छोड़ देना है। तब तक 10 से 15 मिनट के अंदर फटाफट हम लोग मेकअप भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्राउज को फिल किया है, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन का आईब्रो डिफाइनर। कलर जो है वो डार्क ब्राउन कलर है। अगर आपको फुल डिटेल में देखनी है ब्राउज को कैसे फिल करते हैं तो गाइज़ प्रीवियस वीडियो आप मेरे चेक कर सकते हैं, मैंने फुल डिटेल्स में बताया है कि ब्राउज को कैसे फिल करना चाहिए। आइज बेस के लिए और आईब्रोज को नीट एंड क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया है। ये कंसीलर बहुत ही अमेजिंग कंसीलर है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। मैं सिंपल आपको आइज मेकअप करके दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको पिक करना है एक ऑरेंज कलर, जो कि आपको आउटर एंड इनर पे फोकस करना है। देन दोनों को मिक्स करके मिला देना, यानी कि दोनों को कुल मिला देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर पिक किया है और अपनी मिडल थर्ड पे मैंने इसे प्लेस करा है और अच्छे से इसे ब्लेंड आउट किया है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने फॉल्स लेसेस अप्लाई कर लिए हैं। फॉल्स लेसेस के लिए मैं आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन करूँगी। यहाँ पर मैंने रेड काजल यूज़ किया है। आफ्टर 15 मिनट मास्क को मैं रिमूव कर दूंगी। जितना भी एक्सेस सीरम है मैं अपने लिप्स पे उसे अब्जॉर्ब कर लूँगी, बाकी बचा कुछ जो है उसे मैं क्लीन अप कर लूँगी। ओके ना, लिप्स बहुत ही प्लम्पी लगने लगता है, बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाता है। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का लिप पेंसिल यूज़ किया है। गाइस पूरा बेस मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि बेस हर कोई आप कर लोगे इजिली, सारी वीडियोस मेरे ऑलरेडी मेंशन है। लिप्स के लिए मैंने यहाँ पे मैट मी की लिपस्टिक यूज़ की है। ये लुक जो है गाइस ये राखी लुक है, रक्षाबंधन लुक है। इसे आप वेस्टर्न ड्रेस पे भी कैरी कर सकते हो और इसे आप किसी कुर्ती सूट पे भी बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल वे मैंने आई लुक बताया, पूरा मेकअप करके बताया है। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सा लुक अच्छा लगा, वेस्टर्न या इंडियन।